जय माता दी भाई जय माता दी। सो जय माता दी दोस्तों। तो भाई आज की जो ये वीडियो है ना भाई, बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी होने वाली है। बहुत ही सुंदर, एक बहुत ही प्यारी वीडियो होने वाली है। क्यों भाई, बता देता हूँ आपको। क्योंकि भाई इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप वैष्णो देवी घूमने आना चाह रहे हो, यहाँ पीछे वैष्णो माता का मंदिर है, इधर बड़ी बड़ी पहाड़ी आप मेरे पीछे देख रहे हो, अगर आप वैष्णो देवी घूमने आ रहे हो और आपके पास मतलब थोड़ा टाइम है, या फिर आप सोच रहे हो कि वैष्णो देवी के अलावा और भी आसपास घूम लें, तो वो सब मैं आपको चार जगह बताने वाला हूँ, ऐसी घुमाने भी वाला हूँ और उनके थोड़े हिस्ट्री भी बताऊंगा आपको। और देखेंगे मतलब बहुत ही सुंदर सुंदर, बहुत ही प्यारे प्यारे यहाँ पे व्यू हैं, मंदिर हैं, वो सब हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ का व्यू देखो एक बार भाई साहब, चारों तरफ बड़ी बड़ी पहाड़ी पहाड़े, तो इन पहाड़ों के बीच में हम जाने वाले हैं और आपको दिखाएंगे, वाटरफॉल भी दिखाने वाले हैं, ठीक है, और बहुत ही प्यारा एक पहाड़ों का व्यू भी दिखाने वाले हैं। तो पहले भी आपको यहाँ की सारी जानकारी देता हूँ, अगर आप कटरा से यहाँ पर इन मंदिरों में घूमने आना चाहते हो, झरना देखना चाहते हो, वाटरफॉल देखना चाहते हो, तो आप कैसे यहाँ पर आ सकते हो, कितने आपके रुपए लगने वाले हैं, ये सब मैं आपको बता देता हूँ और उसके बाद करते हैं वीडियो को कंटिन्यू। क्या नाम क्या आपका? मेरा नाम काका शर्मा। काका शर्मा, अच्छा अच्छा, तो आप हमें कहाँ का घुमाने वाले हो? हमने आपको इधर धनसर बाबा जी लेना है, उसके बाद जहाँ वाटरफॉल और झरना शिव गुफा के दर्शन होते हैं, अच्छा, उसके बाद नौ देवियाँ जो माता की नौ कंजकों के पूजना करके दर्शन करते हैं, अच्छा, उसके बाद गार जीतो जी है, बाबा जीतो जी जो माता जी के पुजारी थे पुराने, उसके अच्छा। बाद चुमुंडा देवी है, देवा माई जी है जहाँ देवा माई के दर्शन होते हैं। और मतलब ये अच्छा नज़ारा मिलेगा हमें देखने के लिए? बहुत अच्छा है, माता की बहन रहती है देवा माई में। उसके बाद हमने कालका मंदिर है, श्रीधर का मंदिर है, भूमका देवी, अच्छा भूमका मंदिर। और पैसों का हिसाब क्या रहेगा? सर 400-500 लेते हैं ऑटो वाले, लोकल जो घुमाते हैं इधर, अच्छा, हाँ 500 रुपये के बीच ले लेते हैं, अच्छा, और बाकी पूरा घुमा के 4 पॉइंट इधर जो है 400-500 में लेते हैं, बाकी घुमाने में कोई ऐसी कोई टेंशन नहीं है, पूरा अच्छी तरह से घुमाते हैं। समय कितना लग जाता है? समय 3-4 घंटे लग जाते हैं। अच्छा अच्छा, 4-5 घंटे भी। तो हमें 3-4 घंटे में आप पूरे सारे व्यू में दिखा घुमा दोगे? 4 पॉइंट घुमा देते हैं, 4-5 घंटे लग जाते हैं। अच्छा अच्छा, चलिए चलते हैं। हाँ जी, अगर आप भी इन चार जगहों पर घूमने आना चाह रहे हैं तो भाई आपको ऑटो मिल जाएगा कटरा बस स्टैंड से, उसी के अलावा कटरा रेलवे स्टेशन से, यहाँ से आप ऑटो लेके इजीली घूम सकते हैं। तो भैया हम सबसे पहले कहाँ पे जा रहे हैं अभी? सबसे पहले जा रहे हैं हम भैया धनसर बाबा जी। अच्छा अच्छा, जहाँ वाटरफॉल और झरना है, शिव गुफा के दर्शन होते हैं, 3300 करोड़ नागनी देवतों के दर्शन होते हैं। अच्छा अच्छा, और उसके बाद फिर आएंगे हम नौ देवी जो माता की नौ कन्या की पूजना होती है, अच्छा, नौ देवियों के दर्शन होंगे, अच्छा, उसके बाद आएगा घर जीतो, अच्छा, वो जो सबसे पहले पुराने पुजारी थे बाबा जीतो जी, माता जी के डेली दर्शन करने जाते थे, वो खेती बाड़ी का काम करते थे, गेहूँ जिन लोगों ने उनकी गेहूँ खाई है उनको सबको प्रवेश पड़ता है, दिल्ली बम्बा कलकत्ता कहीं के भी हैं, जिन्होंने भी उनका नाच खाया है वो उनको प्रवेश आता है, अच्छा, बाबा जीतो जी का। सबसे अच्छा जो व्यू है वो कहाँ मिलेगा हमें? वो सबसे अच्छा आपको व्यू मिलेगा अपने धनसर बाबा जी, जहाँ वाटरफॉल झरना है। अच्छा, वहाँ वाटरफॉल है? हाँ, उधर मिलेगा सबसे अच्छा। अच्छा, तो सबसे पहले वहीं पर ही चल रहे हैं ना? सबसे पहले हम उधर ही जाएंगे। चलो चलो, सबसे पहले वहीं चलते हैं। तो गाइस अभी हम अपनी पहली डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं, जहाँ पे इस जगह का नाम है बाबा धनसर मंदिर है। ये देख सकते हैं अब यहाँ पे आसपास का पूरा व्यू, और अब मैं दिखाऊँ आपको माता का भवन कहाँ पर है। तो पहली बात में ये कि भाई अभी सर्दी का मौसम है, और देखो आप पहाड़ों पे भी देख सकते हैं स्नो है, या सारे में वाइट स्नो है। तो ये आप देख रहे हो ना यहाँ पर, ये माता का भवन है, थोड़ा फॉग है जिस वजह से सही से दिख नहीं रहा, ये भवन है माता का। बाकी यहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा है, यहाँ पे वाटरफॉल भी मिलने वाला है, और चलते यहाँ से हमें नीचे जाना है। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं पहाड़ों का व्यू, कितना ज़्यादा प्यारा पहाड़ों का व्यू यहाँ से हम देख सकते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, दिल खुश हो रहा है देख के।
और यहाँ आप नीचे देख सकते हैं पानी बहता हुआ जा रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है ये भी। और इसमें पत्थर भी पड़े हुए, पहाड़ों वाले जो पत्थर नहीं होते वो सब, तो ये देखो। बाकी बंदर भी यहाँ बहुत है, तो थोड़ा नीचे जाना है हमें दर्शन करने के लिए। बाकी बंदर बहुत ही ज़्यादा है, सामान साथ में हो तो संभाल के रखना, और खाना पीने का सामान साथ मत रखना वरना ही छीन लेंगे। देखो ये बैठा है यहाँ पे एक। तो भैया अभी हम सीढ़ियों से चल रहे हैं, और ये सीढ़ियों की अगर बात करें 250 सीढ़ियाँ ही हैं, तो 250 सीढ़ियों से नीचे होते हुए मैं जाना है। गाइस ये देखो यहाँ पे छोटा सा बंदर का बच्चा है, ये वो भाई जी जा रहे हैं ना, वो खाना लेके जा रहे थे, उनसे छीनने आ रहा था ये, बट ये छोटा सा है तो छीन नहीं पाया बहुत छोटा ये देखो। सो गाइस यहाँ से अब हम अंदर चले गए, यहाँ पर आप देख सकते हैं बाबा धनसरवा शिव गुफा, तो यहाँ से हमें मिलने वाले अंदर दर्शन। और भाई ये आप देख रहे हो यहाँ पर ये पूरा वाटरफॉल है, वो वहाँ ऊपर से निकल के आ रहा है, मतलब आ तो ऊपर से रहा है बट यहाँ पे से हमें देख सकते हैं वाटरफॉल पूरा। तो इसको थोड़ा सिनेमैटिक में देखो, सो गाइज यहाँ पर हमने अब शूज़ रिमूव कर दिए हैं, तो अब हम चल रहे हैं शिव गुफा की ओर। सो गाइज यहाँ से हमें जाना है शिव गुफा की तरफ, देखने में लग रहा है बहुत छोटी सी गुफा है, तो देखते हैं चलते हैं अंदर। बाकी यहाँ नीचे वाटरफॉल है, बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है, कैसे पानी ब्लू ब्लू चमक रहा है पूरा, कितना अच्छा लग रहा है। बाकी यहाँ पर क्या है ना, मतलब गुफा है, ज़्यादा अंदर जाने वाली गुफा नहीं है, यहाँ मंदिर बना हुआ है थोड़ा गुफा में, तो यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं हम। ये देख सकते हैं यहाँ पे भोले बाबा यहाँ पर। A few minutes later. तो अब यहाँ चलते हैं बाबा धनसर जी के दर्शन करने के लिए। सो गाइज यहाँ से हम आ चुके हैं बाबा धनसर जी के दर्शन करके। तो बाबा धनसर जो है ना शेषनाग के अवतार है, और यहाँ पर भोले बाबा की उन्होंने तपस्या करी थी, और यहाँ पे वो मतलब 12 महीने में या फिर कई बार सोमवार को आते हैं और दर्शन भी देते हैं, नाथ के रूप में आते हैं वो। अच्छा भाई बहुत बंदर है यहाँ पे, बहुत देखो कैसे लाल लाल मुँह वाले बंदर है। और भाई जो यहाँ पे शिव गुफा थी ना, वहाँ मतलब थोड़ा सा अंदर को आके है, मतलब हल्का सा अंदर आके, तो शिव गुफा काफ़ी छोटी थी, वो मेरे सर में लग गया, मतलब ऊपर चट्टान लग गई सर में। खैर कोई नहीं, दर्शन अच्छे से यहाँ पर शिव गुफा में बाबा भोले बाबा की पूरी फैमिली थी, गणेश जी, माँ पार्वती ये और कार्तिकेय, भोले बाबा सारे थे। और अभी हम ये नीचे की साइड जा रहे हैं, यहाँ पर क्या है ना नदी है, जो नदी ना माता के भवन से आ रही है, मतलब वैष्णो माता के भवन से होती हुई यहाँ पर आ रही है नदी, और बहुत ही प्यारा व्यू है भाई, कितना प्यारा व्यू है। ये देखो ये नदी है वहाँ ऊपर, मतलब उस साइड वहाँ माता के भवन से होती हुई आ रही है, और देखो यहाँ लोग फोटो क्लिक कर रहे हैं काफ़ी, बहुत प्यारा व्यू, बड़ी बड़ी चट्टाने यहाँ पड़ी हुई है, बड़े बड़े पत्थर, बहुत प्यारी है। ये देखो भाई यहाँ पर मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, नज़ारे को एंजॉय करो आप। अरे वहाँ क्यों चढ़ रहे हो, गिर पड़ोगे यार, बताओ। देखो फोटो के लिए वहाँ पे चढ़ने में लग रहे यार, ध्यान से और गाइस ये देखो यहाँ पे पहाड़ी गाय है, इनकी हाइट ना बहुत ज़्यादा छोटी छोटी होती है, देखो कितनी सारी यहाँ पे खड़ी है। आ, आ, आ। कितनी प्यारी प्यारी गाय हैं। तो भाई नीचे से आगे अब अगली डेस्टिनेशन पर चलते हैं अपनी, कहाँ जाएंगे भैया अब हम? नौ देवी। अच्छा नौ देवी मंदिर अब हम जा रहे हैं। 15 minutes later. तो भाई नौ देवी मंदिर हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे, तो आप प्रसाद वगैरह लेके जा सकते हैं यहाँ से, तो मिल जाते हैं यहाँ पे अलग अलग प्रसाद, थोड़ा प्राइस भी पता कर लेते हैं भाई, क्या क्या प्राइस है प्रसाद के? जय माता दी, हाथ धोले पहले बता रहे हैं आपको सारा। सोच तो भाई हमने यहाँ पे अपने स्कूटर में ही रिमूव कर दिया ऑटो में, तो क्या प्राइस है प्रसाद के बताओगे एक बार? भाई साहब ये नेचुरल पहले दर्शन देखिए, जैसे आप माँ वैष्णो देवी जी के दरबार गए, आपने पुरानी गुफा देखी वो माथे बंद थी, या पुरानी गुफा में जाएंगे पूरी नौ देवियों के दर्शन एक साथ में होंगे माँ वैष्णो देवी जी के। अच्छा पुरानी गुफा में जाते तो दर्शन होते हैं? गणपति, गणेश जी हैं, पांच पांडव। अच्छा नौ देवियां अपने आप प्रकट है, किसी ने बनाई नहीं, प्राचीन गुफा के अंदर है। प्रसाद यहाँ पे नारियल बेन चढ़ता है, इसे आपका रहता है, चाहे छोटा चढ़ाओ बड़ा चढ़ाओ आपका मन रहता है, रेट में आता है। कहता है नारियल चुन्नी प्रसाद नौशंगा संदूर मौली माता जी का 70, ये पूरा थाली कंप्लीट लेंगे तो 151 का आएगा, बड़ा लेना है 351 का आएगा, 500 का है, 1100 का है, कुछ भी ले सकते हो आप। अच्छा मतलब जो सबसे लोअर शुरुआत कहाँ से है? लोअर शुरुआत 151 का कंप्लीट आता है, अगर 70 निकाल देते हो तो 100 रुपए का आता है,
बाकी आप पे है कि आप लेते क्या हो क्या चढ़ा। अच्छा अच्छा, मतलब जितना ऐड करवाएंगे उतना प्राइस बढ़ जाता है। हाँ, जो चीज लोगे भैया वो। अच्छा, यहाँ से भी आप देख सकते हैं पहाड़ों का व्यू, भाई क्या सुंदर व्यू आ रहा है। तो यहाँ से चलते रोड क्रॉस करके नौ देवी मंदिर, तो यहाँ से थोड़ा सीढ़ियों से उतर के नीचे जाना है नौ देवियों के हमें दर्शन करने के लिए। और प्रसाद हमने ले लिया है, यहाँ पे जैकेट में छुपा लिया क्योंकि बंदर बहुत ज्यादा है, अगर आप खुलेआम लेके जाओगे प्रसाद तो छीना जाएगा वो बंदरों के द्वारा। वाओ भाई देखो पहाड़ों का व्यू यहाँ से। बाकी यहाँ पे फोटो के लिए आपके सेट बनाया, बैठ के आप फोटो भी ले सकते हो यहाँ पे अच्छी। तो यहाँ से चलते हम नीचे, और वो काफ़ी नीचे है क्या, काफ़ी सीढ़ियाँ जा रही है भाई साहब, बहुत ऊँची पहाड़ है, बहुत ऊँची है। देखो कैसे यहाँ से बर्फ़ ही बर्फ़ चमक रही है पहाड़ों पर, ये बहुत ऊँची है भाई पहाड़ है बहुत। और भाई एक बात और बता दूँ, फ़ोन का भी आपको ध्यान रखना होगा, कुछ लोग बता रहे थे कि फ़ोन भी छीन के ले जा रहे बंदर। तो भाई यहाँ पे सामने आप साइन बोर्ड भी देख सकते हैं, बंदरों से सावधान रहे। बाकी यहाँ नीचे हमें गुफा मिलने वाली है, गुफा में जाने का रास्ता, तो चलते हैं। बाकी यहीं साइड में देखो वही नदी चल रही है जो हमने आपको पीछे दिखाई थी ना। तो भाई यहाँ भी जो पीछे एक बंदर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये तो ये कभी भाई का बंदर सामान छीन के लेके भागा था, बट बचा लिया, लोगों ने शोर मचा दिया ना तो ये डर गया वरना छीन ले जाता। तो ये कुछ आगे का व्यू है, यहाँ से चलते हैं, गुफा दिखाई दे रही है हमें सामने। तो फ़ोन रखते हैं, अलाउड नहीं होगा। तो भाई वहाँ ऊपर शिव गुफा से अभी हम आए हैं और यहाँ पे नौ देवियों के दर्शन करने जा रहे हैं, तो गुफा के अंदर से होते हुए जाना है हमें। जय माता दी, जय माता दी। चलो भाई चलो, जय माता दी। गुफा में से जाना, ओ भाई बहुत बढ़िया। जय माता दी भाई, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। भाई ये आप देख रहे हैं यहाँ पर स्नान कर सकते हैं, बच्चों के लिए बनाया हुआ ये। और भाई यहाँ पर आप देख रहे हो ना, यहाँ पे भैया जी हैं, तो उन्होंने बताया कि ये भी आप दिखाओ, यहाँ पे माता रानी के मतलब जो नौ देवियाँ उनकी हिस्ट्री यहाँ पर लिखी हुई है, उनके बारे में जान सकते हैं आप। यहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ था बट पुराने होने का कारण टूट गया थोड़ा सा, तो भैया ने ऐसे दिखा दिया हमें। ये आप कहाँ जा रहे हैं? हम गार जीतो। गार जीतो? गार जीतो। अच्छा गार जीतो। हाँ बाबा जीतो। अच्छा बाबा गार जीतो। हाँ जी। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा माता के पुजारी थे वो, ठीक है। तो भाई अपनी थर्ड डेस्टिनेशन पर अभी हम आए हैं बाबा जीतो जी के मंदिर में। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राचीन मंदिर बाबा जीतो। तो आइए चलते हैं अंदर और बाबा जीतो के बारे में आपको बताएंगे भी। तो बहुत बड़े माता के पुजारी थे ये बाबा जीतो। तो आइए दर्शन करके आते हैं, फिर इनके बारे में थोड़ा सा बताऊँगा। यहाँ पर अभी और एक चमत्कारिक चीज़ है वो भी दिखाऊँगा अभी। तो भाई यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं बाबा जीतो की, आप यहाँ पर कथा पढ़ सकते हैं। तो ये पूरे में आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। बीच में अंकल जी आ रहे हैं, बट दिख गया ये लो, तो वीडियो पॉज करके पढ़ लेना आप। बाकी मैं एक फ़ोटो लगा देता हूँ स्क्रीन पर। तो भाई थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको, बाकी आप वीडियो पॉज करके पढ़ लेना। तो जो बाबा जीतो थे ना, मतलब वो माता के बहुत बड़े भक्त थे, वो डेली क्या करते थे ना, स्नान करते थे, मतलब वहाँ ऊपर 15 किलोमीटर माता वैष्णो के यहाँ जाते थे दर्शन करने डेली। हमारी तो एक दिन हालत ख़राब होगी, वो डेली जाते थे भाई साहब, तो बहुत बड़ी बात है ये। तो भाई जीतो की इतनी भक्ति देखकर माता प्रसन्न होती है और कन्या के रूप में जीतो के पास आती हैं और बोलते हैं भाई क्या मांगते हो बताओ। तो वो कहते हैं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस पानी की थोड़ी कमी है, तो पानी मांगते हैं वो। तो माता कहते हैं जिस रास्ते से तुम चलकर मेरे मंदिर तक आते हो, तो इस रास्ते पर यहीं पर ही क्या होगा, पानी बहेगा और वो मेरे चरणों का ही पानी होगा। तो माता ये वरदान देती हैं जीतो को और यहीं पर ही वो पानी है, मतलब ऐसा कहा जाता है कि उस पानी से जो स्नान कर ले या फिर अपने ऊपर डाल ले तो काफ़ी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं उस पानी से। तो हम भी अभी लेके जाएंगे कैन में वो पानी। और साथ ही माता कहते हैं कि मैं कन्या के रूप में आऊँगी और तुम्हारे साथ ही रहूँगी, तुम्हें मंदिर आने की रोज़ रोज़ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माता प्रसन्न हो जाती हैं भक्ति देखकर इतनी डेली, वो इतना ऊपर ऊपर जाते हैं रोज़। और वो फिर वो सोचते हैं भाई मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, भाई मैं कैसे, मतलब शादी होगी तभी तो बच्चे कन्या होगी। तो माता क्या करती है ना, तो वो खेती करने जाते थे, खेती करने के बाद जब वापस आते हैं ना तो वहीं पर ही मतलब एक छोटी कन्या होती है, तो वो समझ जाते हैं यही माता का रूप है। तो थोड़ी सी मैंने आपको बताई यहाँ की हिस्ट्री, बाकी आप पढ़ सकते हैं, मैंने आपको दिखा दिया। वहाँ बड़ा सा स्टैचू देख रहे हो ना, वहाँ पे बाबा जीतो की एक मूर्ति बनाई हुई है। बाकी यहाँ पर देखो कैन वगैरह मिल रही हैं जिसमें आप यहाँ से जो मैंने बताया ना जल के बारे में, वो भर के भी लेके जा सकते हो आप। यहाँ पर मंदिर भी स्थापित है, जैसा कि मैंने आपको बताया माता वैष्णो देवी यहीं पर ही आ गई थी, तो यहाँ पर भी मंदिर है माता वैष्णो देवी का। तो भाई ये आप सामने देख रहे हो ना, यहाँ पर 7 धाराएं ऐसी बह रही हैं, तो इन्हीं में से मतलब पानी भर भर के लोग लेके जाते हैं और यही मतलब जो माता ने वरदान दिया था ना वही ये चीज़ है। तो ऐसे यहाँ पर 7 धाराएं हैं और ये हमेशा कंटिन्यू रहता है, कभी नहीं रुकता ये बहते हुआ आ रहा ऊपर से। कृपया अंदर जाने से पहले यह सूचना जरूर पढ़ें, कृपया जल अंदर से भरें। तो ये अंदर से बोल ले भरने के लिए। तो यहाँ आप ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पे बाबा जीतो की एक मूर्ति बनाई हुई है स्टैचू,
तो चलते हैं पास से देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाबा जीतो की यहाँ पे मूर्ति बनाई हुई है और बंदर आ गया यहाँ पे प्रसाद खाने। ये देखो पीछे से सनलाइट आ रही है थोड़ी। यहाँ पर देखो बाबा जीतो की मूर्ति बनाई हुई है ना, यहीं पर देखो माता की बनाई हुई है जो मतलब बेटी का रूप लेके माता आई थी। बाकी पूरी स्टोरी आप पढ़ सकते हो, मैंने बोर्ड पर आपको दिखाया था ना, तो ये वही बनाया हुआ सब कुछ। बाकी यहाँ पर आप सामने देख रहे हो ना इतना क्राउड सा हो रहा है, यहाँ पे मुंडन हो रहा है तो मुंडन भी करवा सकते हैं आप। यहाँ पे जी तो बाबा से होकर हम आ चुके हैं। भैया आपका जा रहे हैं, हम जा रहे हैं चमुंडा देवी। चमुंडा देवी, हाँ ठीक है। और गाइस वहाँ ऊपर पहाड़ पे ना मतलब वाइट वाइट हो रखा है, देखने में ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है ऊपर, बिल्कुल ऊपर। वहाँ जूम करके दिखाता हूँ मैं, देखो ये वाले पहाड़ पे आप देख सकते हैं इधर, तो ये स्नोफॉल हो रहा है लग रहा है देखने में ऐसा। बाकी कन्फर्म तो कह नहीं सकते क्योंकि ऊपर तो है नहीं हम। तो भाई आ चुके हैं हम चामुंडा देवी, तो यहाँ से अब अंदर चलते हैं चामुंडा माँ के दर्शन करने। तो पंडित जी हमें दिखा रहे हैं पांच पांडव यहाँ से। आओ देखो सामने थोड़ा जो बादलों के पीछे जो घूमर देखे, थोड़ा हल्का सा जो अभी इस समय बादल छाए हैं, धुंध पड़ी हुई है, वो सामने पेड़ों के पीछे जो ट्राई एंगल चोटी नजर आ रही है हल्की सी। हाँ इनके ऊपर जो प्राकृति उनके दिव्य रूप के दर्शन है, लास्ट में उन्होंने इसी जगह के ऊपर छोड़ के गए थे। हर पांचवे नवरात्रि में श्राइन बोर्ड वाले जहां वो हेलीकॉप्टर थोड़ा उनकी बाएं तरफ से इस साइड में जो मतलब घूम रहा है उसके नीचे सामने वो चोटी नजर आ रही है, ट्राई एंगल जैसे शंकर भगवान जी की जैसे पिंडी होती है शिवलिंग, और इनके ऊपर प्राकृति आपने दिव्य रूप का दर्शन छोड़ना। और हर पांचवे नवरात्रि में श्राइन बोर्ड वाले इसी जगह के ऊपर आके जो पूजा अर्चना करते हैं। अभी बिल्कुल सामने जो साफ नजर आ गई है और बादल वगैरह हट गए हैं सामने ऊपर, थोड़ा क्लोज करेंगे। और इस समय सामने ये सामने बीच में ट्राई एंगल जुड़ गया ये यहाँ पर, हाँ जी भाई। और सामने ये बड़ा पहाड़ देख रहे हैं ये लास्ट वाला, इसके ऊपर बकासुर जो दैत्य का वध किया था, जो भीमसेन है जो प्रतिदिन रोज का जो एक आदमी खाता था डेली का, और ये भी हमारे इस चामुंडा धाम से जो दर्शन होता है। और सामने माता वैष्णो देवी, सामने जो जिसके ऊपर थोड़ी थोड़ी जो पीछे सूखा हुआ पहाड़ नजर आ रहा है, तीसरा वाला पीछे वाला जिसके ऊपर थोड़ी जो बर्फ नजर आ रही है, ये परियों की जगह परिस्थान कोंगरा कोंगरा करके भी इस जगह का नाम है, क्योंकि हम जुगों जुगों से जो हम हमारे वंश जो पुजारी जितने हुए हैं वैष्णो माता जी के मुखिया पुजारी हुए 1986 तक श्राइन बोर्ड जो बनने तक, और श्राइन बोर्ड जो उस समय 1986 में बना, और 1986 से जैसे जुगों जुगों से लेके 1986 तक हमारे पूर्वजों ने माता जी की भी जो प्रतिदिन पूजा करना और पांच पांडवों की भी वो करते थे, जब से श्राइन बोर्ड बना हुआ है और श्राइन बोर्ड भी प्रतिदिन माता जी की सुबह शाम जो पूजा अर्चना 24 घंटे जो मतलब कर रहे हैं, और जो मतलब पांच पांडवों की भी जो मतलब ऊपर जाते हैं पांच बजे नवरात्रि में। ये आज ही हमारे चामुंडा धाम से हमारी कोशिश होती है कि हर श्रद्धालु को जरूर हम इधर से दर्शन करवाते हैं, कोई बाई चांस से कोई चंद श्रद्धालु जो बीच में से जैसे कोई बड़ी ज़्यादा कोई भीड़ हो तो नहीं अगर हम बता पाएं तो, नहीं तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि लास्ट में ये हमारा चामुंडा धाम का दर्शन करने के संपूर्ण कराने के बाद फिर हम पांच पांडवों के इधर से दर्शन जो करवाते हैं, क्योंकि नीचे से हमारे चामुंडा धाम से ये दर्शन होता है और जहाँ ये थोड़ी सी कोई 4-5 फीट जो उनकी चोटी जो नज़र आती है और नीचे और कहीं से नजर नहीं आती है। इस समय आप सामने माता वैष्णो देवी, सामने पांच पांडव, वो भवन है वो जो दिख रहा है सामने, जहाँ जो ऊपर देखें जो अर्धकुंवारी गर्भजून जो इस साइड में इन चोटियों से वो कटरा से नजर आते हैं जो इन पहाड़ियों से जो पीछे मतलब अच्छा, गर्भजून वहाँ पर जो मतलब पीछे ये माता का भवन, जहाँ सामने ऊपर जो भवन देख रहे हैं जो घनी बिल्डिंग देख रहे हैं, थोड़ा सा इसके बैक साइड जहाँ वो धुंध पड़ी हुई है सामने माता जी का, इस समय लास्ट पॉइंट के ऊपर इस समय आप दर्शन पा रहे हैं हेलीकॉप्टर, हाँ सामने जो मतलब कर रहे हैं। और इस समय सामने मतलब इसी पहाड़ के ऊपर जो दूसरा वाला पहाड़ है वो बकासुर वाला, और माता जी का इस समय आमने सामने जो सामने चामुंडा माता सामने वैष्णो माता, बोलो सचद्रवार की जय हो। ये भी कटरा से लगभग कोई 4-5 किलोमीटर ये हमारा धाम शिवखोड़ी मार्ग में पहला धाम और मुखिया दरबार देवी चामुंडा माँ के नाम से जाना जाता है, और प्रथम दर्शन श्रद्धालुओं को जो माता चामुंडा देवी जी के जो प्राप्त होता है, फिर आगे गौरी माता जो दक्षिण मुखी पंचमुखी हनुमान जी, इस समय गोगा बाबा जी के जो शरण में जहाँ सब जो लिखा हुआ प्राचीन स्थान गोगादेव बाबा जी, गोगादेव बाबा जी के हमारे पूरे जम्मू कश्मीर के जो कुल देवता हुए, इनकी जन्मभूमि राजस्थान जो भागड़ की है, जो आपने पीछे जीतो बाबा जी का अगर इतिहास देखेंगे जीतो बाबा जी के भी जो कुल देवता इष्ट देवता आराध्य थे गोगा बाबा वो यही थे, इनके लिए वो जीतो बाबा जी जो जाते थे वैष्णो माता जी के ऊपर पहले माता जी की पूजा करना
और फिर माता जी का चरणों का जल लेके वो भी घर में आके गोगा बाबा जी की पूजा अर्चना करने के बाद फिर भोजन करके खेती का कार्य करते थे जीतो बाबा जी। बोलो सच्चे दरबार की जय। और हर श्रद्धालु बड़ी एक आस्था एक श्रद्धा से आते हैं, और क्योंकि उनको इस साइड में जो शिवखोड़ी मार्ग में कम इतनी जानकारी है, तो ये मेरे अभी जो बोलने का कहने का मतलब ये है कि जो भी इस वीडियो को देखे वो ज़्यादा से ज़्यादा वो शेयर करें, और हर श्रद्धालु जो कटरा से ये 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर में ये आसपास जो दरबार हैं, जैसे चामुंडा धाम है, जीतो बाबा जी का दरबार, आगे नाव देवी है, धनसर बाबा हैं, फिर आगे जो शिवघोड़ी, वो श्रद्धालु इस धाम से जो आशीर्वाद प्राप्त करके जाएं और मंगली मंगल अपनी मनोकामना जो पूर्ण करें, और भगवती सदा ही हर श्रद्धालु की हर मनोकामना पूर्ण करें। बोलो सच्चे दरबार की जय हो, जय माता जय का राम वाली राम, बोल सच्चे दरबार की जय हो। तो भाई बहुत ही अच्छा ये मंदिर था, पंडित जी ने काफी कुछ हमें बताया। युधिष्ठिर ने मतलब इस मंदिर की स्थापना करी थी उस टाइम पर, पांडवों के टाइम पे, मतलब महाभारत के समय पर। तो भाई जीतू बाबा पे हमने दिखाया था ना ऐसे करके, उनकी फोटो थी मतलब ऐसे करके स्टैचू थी उनकी, तो वो माता के भवन को ही देख रहे हैं मतलब ऐसे करके वहाँ से, क्योंकि वहाँ से भी भवन दिखाई देता है थोड़ा, अगर हम ऊंचाई से देखें थोड़ा यहाँ से भवन दिखाई देता है, और वो बाबा जो थे हम फर्स्ट पे जहाँ गए थे वहाँ से भवन दिखाई देता है। ये भाई पंडित जी ने यहाँ का एड्रेस भी दिया है। तो भाई हम कटरा वैष्णो देवी, तो भाई हम कटरा रेलवे स्टेशन आ चुके हैं। धूप आ रही है आंखों पर इसलिए आंखें ऐसी हो रही है। पीछे का व्यू देखो भाई, पहाड़ ही पहाड़, बहुत प्यारा व्यू आ रहा है। ठीक आ रही यार। तो भाई कटरा रेलवे स्टेशन हम आ चुके हैं, हम चारों जगह अपनी घूम के आ चुके हैं। बहुत ही प्यारी जगह थी, बहुत अच्छा हमें भी लगा। और चैनल पर पहली बार आया था सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेना, क्योंकि भाई ऐसे ही मतलब हम बेस्ट प्लेस आपको घूमने के बताते हैं, प्यारे प्यारे मंदिर आप तक पहुंचाते हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेना, ठीक है। और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हो, पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ध्यान रखिए आपसे अपना। जय हिंद, वंदे मातरम, और जय माता दी।